हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन, वो भी बहुत ही कम सब्ज़ी में और बहुत टेस्टी लगेगा। आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि इसमें ज़्यादा सब्ज़ी नहीं पड़े हैं। बिना झंझट के ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला मंचूरियन है और टेस्टी भी लगेगा। तो चलिए, इसके लिए अगर आपके पास सोया ग्रैनुअल्स है तो आप उनका यूज़ करेंगे। वैसे मेरे पास अभी नहीं थे, तो मैं सोया चंक्स से भी बन सकते हैं ये। सोया चंक्स को भिगो दे और उसके बाद उसको मिक्स चला लेंगे। और इसमें मैं एक बॉयल आलू दें, आलू बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अच्छे से पहले चंक्स को पीस लेते हैं। और सब्ज़ी में मैं ले रही हूँ बीन्स, शिमला मिर्च ज़रूर से लें, प्याज, और इन सब सब्ज़ी को खूब महीन काट लें, एकदम चॉप के हो, जैसे और सब्जी मंचूरियन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और तब इसमें डालेंगे सोया सॉस, मैदा या कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए लेंगे, या दोनों में से थोड़ा थोड़ा डाल लें और अच्छे से बाइंड कर लें। क्योंकि इसमें पानी नहीं होता तो ये बॉल बनाने में बहुत आसानी से बन जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आलू ज़्यादा न डालें, एक मीडियम साइज़ का आलू ही पड़ेगा, जिससे सॉफ्ट भी बनेंगे और वो सही से बनेंगे। लेकिन ज़्यादा आप आलू ना डालें, नहीं तो फिर वो टूटने लगेंगे। अगर ऐसा इनकेस होता है आपके साथ कि वो बॉल टूट रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और इसमें मैदा मिला लें। बॉल सब रेडी हो गए हैं, अब इसके बाद ग्रेवी बनाते हैं। प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन सबको एकदम हल्का सा चेंज कलर होने तक भुनेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेवी के लिए पिसा हुआ मसाला डाल रही हूँ, जो पहले से मैं रेडी करके रखी थी। प्याज, लहसुन, अदरक का ही पेस्ट है ये भुना हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा अब नहीं भुनूंगी, ये भुना हुआ है। बस इसे डाल के और पानी डालेंगे। तो आप अपने अंदाज से भी इसमें प्याज, लहसुन, अदरक नॉर्मली जो बनाते हैं वैसे ग्रेवी बना, पानी डाल के ग्रेवी चेक कर ले। उसके बाद इसमें बॉल्स को रखेंगे 5 मिनट के खाने से पहले। ज़्यादा पहले नहीं डालें, नहीं तो टूटने लगेंगे, क्योंकि इसके बॉल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।